हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर यश। आज मैं आपको उड़द दाल के वड़े बनाना बताऊंगी किस तरह से बनाए जाते हैं। मैंने ये दो कटोरी दाल ली है उड़द की, इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो देना है। इसे मैं पहले धोऊंगी, फिर उसके बाद इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो देंगे और उसके बाद इसे पीसना है। अब हम ये भीगी हुई दाल को पीस लेंगे। दाल में पीसते समय सिर्फ इतना ही पानी रखें जिससे कि ये थोड़ी गाढ़ी और दरदरी सी पीसे। ज़्यादा पानी डालने से ये पतली हो जाएगी और हमारे वड़े नहीं बन पाएंगे। अब हम इस तरह का गाढ़ा बैटर हमारा तैयार हो चुका है, देखिए। इससे पतला ना रखें नहीं तो प्रॉब्लम आएगी बनाने में ना वड़े। इस बैटर को 2 घंटे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था और ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 3 मीडियम साइज़ कटी हुई छोटी बारीक प्याज, 1/4 नमक स्वादानुसार, मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं ये भी स्वादानुसार लीजिए, सूखा धनिया। इसमें फ्रेंड्स हींग डालना भी ना भूलें, 1/2 चम्मच हींग डालें। हरा धनिया, अब इनको डालकर अब हम इन्हें चला लेंगे अच्छे से। हम इस बैटर को इस तरह से मिला लेंगे अच्छी तरह से। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई में तेल भी रख दिया है, अभी गर्म होने वाला है। बस अभी मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने अपने हाथ पे क्लिंग रैप लगा दिया है, आप देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर इस तरह से लगाइए, नहीं तो बड़े चिपक जाएंगे। हाथ से इस तरह से उठा के और इसको इस तरह से बीच में से छेद करके और कढ़ाई में छोड़ दीजिए, ऐसे लगाइए बैटर को इस तरह से। इसमें लगा के बीच में से छेद करके और इस तरह से छोड़ दीजिए। मैंने इस तरह से 4 वड़े कढ़ाई में छोड़ दिए हैं, देखिए। ये जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इन्हें सेकना है। वड़े बनाने के लिए हमें मीडियम हाई फ्लेम पर सेकने हैं इन्हें, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखनी है जिससे अंदर तक ये सेक जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे वड़े बनकर तैयार हैं। ये बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं, ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं, करारे हैं। ये देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।